दोस्तों देखिए एक एक YouTube चैनल पर 20,000 से लेकर 30,000, 30,000 से 40,000 तक सब्सक्राइबर्स होता है। और इतना सब्सक्राइबर्स वाला YouTube चैनल पर एक एक वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आ रहा है, 100 से 150 व्यूज आ रहा है, और उसके बाद दोस्तों व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इसका रीज़न सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होता है कि इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपके चैनल पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों सबसे फास्ट जो रीज़न है, ये फास्ट मैं 100% आपको दावे के साथ मैं कहता हूँ कि फास्ट जो रीज़न है, रीज़न ये है कि आपकी जो चैनल है, चैनल की जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, इसलिए दोस्तों आपके चैनल पर इतना सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। दोस्तों ये फास्ट रीज़न होता है। दोस्तों अगर आपके चैनल पर इसी तरह प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आपके चैनल पर 30 से 40 हज़ार सब्सक्राइबर्स है और एक वीडियो अपलोड करने के बाद लगता है कि आपको 100 से 150 व्यूज आ रहा है और उसके बाद दोस्तों आपकी वीडियो पर व्यूज बिल्कुल ही नहीं आता है, तो आपके चैनल पर जो कंसिस्टेंसी है ये आपको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों अगर आपके चैनल पर कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं करते हो, तो मैं 100% आपको कहता हूँ कि आपकी चैनल जितना है इतना से और भी डाउन होता है, क्योंकि दोस्तों YouTube ने ये चाहता है कि आपके चैनल पर आप हमेशा काम करो। दोस्तों देखिए सबसे पहले ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर YouTube ने आपको क्यों पैसा दे रहा है। दोस्तों YouTube ने चाहता है कि YouTube के जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर आप हमेशा काम करो, YouTube ये चाहता है। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने एक चैनल क्रिएट किया है YouTube के ऊपर और आप जब मन चाहे तब तो आप एक वीडियो अपलोड करता है, तो इसी तरह दोस्तों अगर आपके चैनल पर आप काम करोगी तो दोस्तों डेफिनेटली आपकी चैनल जो है चैनल डाउन होता है। इसलिए दोस्तों आपके चैनल पर आप कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। सेकंड रीजन जो होता है दोस्तों, ये रीजन ये होता है कि दोस्तों देखिए आपकी जो चैनल है, चैनल की जो YT स्टूडियो है, YT स्टूडियो पर YouTube की जो एनालिसिस है ये काफी क्लियरली बताया जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना है। दोस्तों देखिए YouTube की जो एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स के अंदर डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है, ऑडियंस किस टाइप के वीडियो पसंद करता है। दोस्तों मान लीजिए आपकी जो ऑडियंस है, ऑडियंस कुकिंग रिलेटेड टॉपिक जो है ऑडियंस पसंद करता है और आपने टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो, तो आप एक बार जरा अंदाजा लगाइए कि आपकी जो ऑडियंस है, ऑडियंस कभी भी आपको पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों ये आपको सोचना बहुत ही जरूरी होता है कि इतना सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपकी चैनल पर व्यूज क्यों इतना कम आ रहा है। दोस्तों देखिए ये दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है व्यूज के लिए। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने आज एक वीडियो अपलोड किया है आपके चैनल पर और कल नहीं, परसों नहीं, और फिर 3 दिन बाद एक वीडियो अपलोड किया है, तो दोस्तों देखिए आज की डेट में YouTube पर काफ़ी कंपटीशन है और इतना कंपटीशन में अगर आपके चैनल पर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगी तो आपकी चैनल जो है डाउन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपके चैनल पर आप हमेशा वीडियो अपलोड कीजिए, हर एक दिन एक एक वीडियो अपलोड कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि आपकी चैनल ग्रो करना शुरू किया है। दोस्तों देखिए मैंने इसी तरह काम करता हूँ YouTube पर, उसके बाद दोस्तों मैंने फिर से कंसिस्टेंसी जो है मैंने मेंटेन करना शुरू किया है, उसके बाद दोस्तों आज मेरा चैनल फिर से ग्रो करना शुरू किया है। तो दोस्तों मुझे खुद ये पता चला है कि चैनल आखिर डाउन क्यों होता है। देखिए चैनल इसीलिए डाउन होता है कि आपकी जो चैनल है, चैनल पर अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी चैनल डेफिनेटली डाउन होता है। और दोस्तों अगर आपकी चैनल पर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी चैनल जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप YouTube से पैसा कमाना है तो आपके चैनल पर कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में YouTube पर काफी कंपटीशन है। दोस्तों देखिए आपने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करते हो आपके चैनल पर, अगर मान लीजिए आपने एक दिन वीडियो अपलोड नहीं किया है तो आपकी कैटेगरी में और जितना चैनल है उसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आपकी जो ऑडियंस है, ऑडियंस आपके चैनल से कन्वर्ट होके दूसरा जो आपके रिलेटेड चैनल है उसी चैनल पर एक्टिव होता है। इसलिए दोस्तों आज की डेट में अगर आपके चैनल ग्रो करके रखना चाहते हो तो आपके चैनल पर हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।